दोस्तों अक्सर हमारे दिमाग में यह बात चलता रहता है कि करोड़ों साल पहले जो जानवर हुआ करते थे वो अब के जानवर से कितने खतरनाक थे। करोड़ों साल पहले साइबर टूथ टाइगर हुआ करता था। साइबर टूथ टाइगर के जबड़े इतने मजबूत थे कि उसके सामने कोई भी जानवर नहीं टिक पाता था। क्या हो दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता यानी कि पिटबुल और साइबर टूथ टाइगर एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो कौन जीत की किताब अपने नाम करेगा। वैसे तो ये दोनों जानवर अब तो आमने सामने नहीं आ सकते हैं, इसीलिए इन दोनों जानवर को आमने सामने ले आने के लिए इस वीडियो को राउंड में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट राउंड में मैं आपको इन दोनों का वजन बताऊंगा कि ये एक दूसरे से कितने वजन है, और दूसरे राउंड में मैं आपको इन दोनों का बाइट फोर्स बताऊंगा, और तीसरे राउंड में स्पीड बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस खतरनाक सफर में। साइबर टूथ टाइगर करोड़ों साल पहले ये टाइगर हुआ करते थे, आज के टाइगर से थोड़े बड़े थे। साइबर टूथ टाइगर के वजन का बात करें तो इसका वजन 400 किलो तक होता था। और दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता यानी कि पिटबुल, ये कुत्ता अपने मजबूत जबड़े से जाना जाता है। अगर ये एक बार किसी के ऊपर हमला कर दे तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ये कुत्ता कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और इसके वजन का बात करें तो 15 से 28 किलो तक होता है। इस राउंड में तो पिटबुल साइबर टूथ टाइगर के आगे कुछ भी नहीं है। इस मेलोडॉन आसानी से पिटबुल को उठा के फेंक देगा। ये राउंड साइबर टूथ टाइगर जीतता है। राउंड नंबर 2, बाइट फोर्स। वैसे तो दोस्तों साइबर टूथ टाइगर के जबड़े बाहर मौजूद दांतों की लंबाई करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट होती थी, जो इसे भयानक राक्षस बनाती थी, और उनकी काटने की शक्ति 120 PSI के करीब होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बड़े दांत होने के कारण नाजुक थे, इसलिए उन्होंने अपने अत्यंत शक्तिशाली गर्दन की मांसपेशियों का उपयोग करके अपने दांतों को शिकार में गहराई तक घुसा देते थे, जिससे उनका दांत भी नहीं टूटता था और शिकार भी उनके चपेट में आ जाता था। और रही बात पिटबुल की, तो पिटबुल की काटने की शक्ति करीब 240 से 300 PSI तक होती है, साइबर टूथ टाइगर से 2 गुना ज्यादा। तो इस राउंड में जीत होती है पिटबुल की। राउंड नंबर 3, इसमें देखेंगे कि कौन सबसे तेज भागता है। पिटबुल एक लड़ाकू कुत्ता है। पिटबुल नस्ल के कुत्ते अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, और पिटबुल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और साइबर टूथ टाइगर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस राउंड में भी स्मिलोडॉन जीत गया, मतलब स्मिलोडॉन 2 राउंड और पिटबुल 1 राउंड जीता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि स्मिलोडॉन आसानी से पिटबुल को हरा दिया। मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता को लिया था और करोड़ों साल पहले के जानवर स्मिलोडॉन को, पर आसानी से स्मिलोडॉन पिटबुल को हरा दिया। सोचिए अगर आज ये सब जानवर होते तो न जाने हम इंसानों का क्या अंजाम होता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो था समाप्त। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।